अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसा आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी पीजीटी इन स्पीच थेरापी या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच थेरापी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है और आपको वीडियो भी तो मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच थेरापी। बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच थेरापी के अंदर जो है वो आप स्पीच थेरापी से रिलेटेड पढ़ते हैं। ये डिप्लोमा है स्पीच थेरापी का। इसके अंदर आप जो है हेयरिंग इम्पेयर्ड जो हो जाती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो हो जाती है वो पढ़ते हैं, स्पीच डिसऑर्डर को पढ़ते हैं, स्वेलिंग डिसऑर्डर को पढ़ते हैं, लैंग्वेज डिले और वॉइस डिसऑर्डर इन स्पीच थेरापी के डिप्लोमे में आप पढ़ते हैं। यानी कि स्पीच से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्वेलिंग होना, वॉइस डिसऑर्डर का मसला होना, लैंग्वेज डिले का मसला होना, इन चीज़ों को जो है आप इसमें स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। बच्चों को जो स्पीच प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, वो सही तरीके से बात नहीं कर सकते, वो हकला के बोल रहे हैं, वो जल्दी नहीं बोल रहे हैं, या वो अपनी एज के मुताबिक सही वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, और इस तरीके की ऑटिज़म वगैरह जैसे होता है और स्वेलिंग होता है, बच्चों के जो है थूक वगैरह का निकलना जो होता है, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो स्पीच थेरेपी के इस डिप्लोमे में आप पढ़ते हैं, स्पीच थेरेपी से रिलेटेड। तो ये जो डिप्लोमा होता है ये 1 ईयर का होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में 15 मंथ्स का भी होता है, यानी कि 1.5 का भी हो जाता होता है। ओके, अब इसमें जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट्स में आप लैंग्वेज साइंस, बायोमेडिकल साइंस, स्पीच एंड हेयरिंग साइंस, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, आइडियोलॉजी, स्वेलिंग डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, और आपकी इंटर्नशिप भी होती है। ठीक हो गया। अब कौन सी डिग्री चाहिए होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच थेरेपी के अंदर? आपको जो है BS इन स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है, MA इन स्पेशल एजुकेशन भी हो सकती है, और MA इन स्पेशल एजुकेशन भी होती है। यानी कि स्पेशल एजुकेशन के अंदर आपका मास्टर्स होगा तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे इन स्पीच थेरेपी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब मिनिमम सेकंड डिवीज़न या 50% मार्क्स अगर आपके होंगे BS स्पेशल एजुकेशन में, MA में या MA में, तो आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे में जा सकते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, कोई 50% पे रखता है, कोई 45 पे, कोई 60 पे, आप यूनिवर्सिटी को देख के जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें मास्टर्स आपको नीडेड होता है। आप याद रखिएगा कि हमारे पास डिफरेंट तरीके के डिप्लोमेज होते हैं। एक बैचलर बेस होता है जो बैचलर के बाद करवाया जाता है किसी भी डिग्री के मास्टर्स में आने के लिए, और एक मास्टर बेस होता है जो कि मास्टर के बाद करवाया जाता है MPhil के लिए। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जिस यूनिवर्सिटी में भी ऑफ़र हो रहा है उसकी जो है एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, क्या ये जो है वो मास्टर्स मांग रहे हैं या बैचलर मांग रहे हैं। क्योंकि अगर ये मास्टर्स मांग रहे हैं तो बेसिकली ये MA इन स्पेशल एजुकेशन या BS इन स्पेशल एजुकेशन या MAD इन स्पेशल एजुकेशन मांग रहे होंगे, तो फिर आपका जो है ये वो जो है वो डिप्लोमा MPhil बेस्ड टाइप हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर ये जो है वो बैचलर मांग रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपको मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए, जिसके अंदर आप मे भी हो सकता है कि आपका बैचलर किसी और चीज़ में हो और सपोज करें BA में हो, तो ये आपको डिप्लोमा करवा रहे हों, और ये वाला स्पीच थेरेपी वाला जिसके अंदर जो है वो आपकी बैचलर हो और आप मास्टर में स्पीच थेरेपी से रिलेटेड पढ़ सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपने खुद देख लेना, यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ होगा कि उन्हें क्या चाहिए। जिस डिप्लोमे की बात कर रही हूँ जिसमें आप जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट बनते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें जो है वो MA नीडेड है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।